आरसी खुंटिया जी, उत्तम कुमार रेड्डी जी, के रोसैया जी, भाटी विक्रमार्का मल्लू जी, अंजन कुमार यादव जी, हनुमंत राव जी, नदीम जावेद जी, अनिल कुमार यादव जी, मुकेश गौर जी, मरी शशिधर रेड्डी जी, विष्णुवर्धन रेड्डी जी, आनंद भास्कर जी, निरंजन जी, यूसुफ अश्मी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। रात का समय है, आप यहाँ मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। रोसैया जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनको आज अपने काम के लिए, विचारधारा के लिए, सोच के लिए सद्भावना अवार्ड मिला है। तो शुरुआत में ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। सालों पहले राजीव गांधी जी यहां आए और आज उनकी भी हमने यहां याद की है। राजीव गांधी जी हो, बाकी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल जी हो, सबने इस देश को जोड़ने का काम किया है, सबको एक साथ लाने का काम किया है। अंग्रेजों से जब लड़ाई हो रही थी तो ये सवाल नहीं था कि व्यक्ति कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, महिला है या पुरुष है, बुजुर्ग है या जवान है। अंग्रेजों के खिलाफ पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा था। उस समय कोई सवाल नहीं पूछता था ये कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है। उस लड़ाई के बाद हिंदुस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि इस देश के हरेक व्यक्ति को इस देश में शांति से, प्यार से जीने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी प्रदेश का हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, हर एक व्यक्ति को शांति और भाईचारे से रहने का अधिकार है। यह पूरे हिंदुस्तान की जनता का हक है और आज हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक तरफ वे लोग खड़े हैं जो इस देश को बांटने में लगे हैं, वो हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं, वो हिंदुस्तान के सब लोगों की बात नहीं करते हैं, वो देश को बांटने में लगे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक विचारधारा नफरत की विचारधारा, दूसरी विचारधारा प्रेम की, प्यार की विचारधारा, इन दोनों के बीच में लड़ाई। जहां भी आप देखिए हिंदुस्तान में,
किसी भी आप प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पूरे देश में लोग घबराए हुए हैं। जनता वो दिन याद करती है जब पूरा का पूरा हिंदुस्तान शांति से, प्यार से, बिना नफरत एक साथ खड़ा होता। आज पहला सवाल पूछा जाता है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा प्रदेश कौन सा है, कौन सी भाषा बोलते हो। मगर सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम हिंदुस्तानी हो, क्या तुम इस देश के हो, क्या तुम इस देश के लिए खड़े हो। चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, अलग अलग प्रदेशों में उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो भी आज हिंदुस्तान में कमजोर है, चाहे वो महिला हो, आज के हिंदुस्तान में महिला बाहर निकलने से डरती है। पता नहीं क्या हो जाएगा। इसका कारण है, इसका कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री देश को बांटने का काम करता है, नफरत फैलाता है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरी तरफ उनके समर्थक। नफरत फैलाते हैं और ये लोग सब धर्म से आते हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बांटने का काम करते हैं, आप मुझे बताइए कि MIM उनकी क्यों मदद कर रही है। आप मुझे बताइए कि एक के बाद एक प्रदेशों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, MIM उनकी मदद क्यों कर रही है। क्योंकि विचारधारा एक ही है, सोच एक ही है, बांटने की सोच, देश को तोड़ने की सोच, नफरत फैलाने की सोच। और इन लोगों से हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में सबकी आवाज सुनाई दे। हम चाहते हैं कि इस देश में कोई ना डरे, इस देश में हर व्यक्ति को लगे कि यह देश किसी जात का, किसी धर्म का, किसी प्रदेश का नहीं है, यह देश हिंदुस्तान है और यह सबका है। और फायदा किसको होता है? फायदा, आप मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, पार्लियामेंट हाउस में पूरी दुनिया कहती है कि नोटबंदी से बड़ी गलती कोई नहीं हुई है हिंदुस्तान में। दुनिया के सब इकोनॉमिस्ट कहते हैं नोटबंदी पागलपन था। यहां पे छोटे दुकानदार हैं, आप किसी के पास चले जाइए, हैदराबाद के किसी भी छोटे बिजनेसमैन के पास चले जाइए, मिडिल साइज बिजनेसमैन के पास चले जाइए और उससे पूछिए, भैया एक बात बताओ,
नोटबंदी से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, और सबके सब आपको बताएंगे हम बर्बाद हो गए। प्रधानमंत्री कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है, पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा किया, सब जात के लोग थे उसमें, सब धर्म के लोग थे, महिला पुरुष सब थे, बुजुर्ग युवा सब थे, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। मोदी जी कहते हैं काले धन को मिटाना है। छोटा सा सवाल, क्या उस लाइन में आपको नीरव मोदी दिखाई दिया? क्या उस लाइन में ललित मोदी दिखा, मेहुल चौकसी दिखा ना, विजय माल्या दिखा, अनिल अंबानी दिखा? नहीं, हिंदुस्तान की गरीब जनता दिखाई दी, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का, हिंदुस्तान के सब काले धन वालों का, चोरों का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने काले धन से सफेद कर डाला। आप किसी भी दुकानदार से पूछो, किसी भी व्यक्ति से पूछो, किसी भी किसान से पूछो, बताएगा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान के काले धन को सफेद कर दिया। पूरा का पूरा हिंदुस्तान कहता है कि नोटबंदी गलत था, और आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं ना नोटबंदी बिल्कुल सही निर्णय था। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने किया। पार्लियामेंट में आप देखिए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का समर्थन कौन करता है? आपके चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी करती है। तो लक्ष्य एक ही है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी और यहां तेलंगाना में केसीआर और एमआईएम, और ये दोनों एक दूसरे का मदद, तीनों एक दूसरे का मदद करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये देश एक साथ खड़ा हो, ये नहीं चाहते कि इस देश में सब धर्म के लोग, सब जात के लोग, सब लोग एक साथ खड़े हुए, क्योंकि अगर एक साथ हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा तो इनकी कोई जगह नहीं बचेगी, इनसे कोई पूछेगा नहीं। ये सच्चाई है। तेलंगाना बना और पूरे प्रदेश ने एक सपना देखा था, पूरे प्रदेश ने सोचा था कि एक नए प्रकार से यहां पे काम होगा, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ, बिना भ्रष्टाचार विकास होगा। यहां पे जो पुरानी सिटी में रहते हैं उन्होंने सोचा, ठहर जाइए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए, उन्होंने सोचा था कि यहां मेट्रो लाइन आएगी, जो ठेले वाले हैं उन्होंने सोचा था कि हमें भी आजादी मिलेगी, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं जिन्होंने हैदराबाद का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, उन्होंने भी सोचा था कि नए तरीके से काम होगा। 5 साल हो गए, 300 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर के मकान को बनाने में लगाया जा सकता है, मगर आपसे मेट्रो छीनी जाएगी। जो यहां ठेले वाले हैं उनको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, उनको जगह नहीं दी जाएगी, और जो छोटे दुकानदार हैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं उनको पहले नोटबंदी से मारा जाएगा और उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स से उनसे चोरी की जाएगी सीधी। और पूरा का पूरा फायदा तेलंगाना में एक परिवार, अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा
चाहे वो किसान हो, युवा हो, उनकी पिटाई होगी, उनको मारा जाएगा, उनको दबाया जाएगा। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी सिर्फ 15-20 लोगों के लिए पूरा का पूरा काम करते हैं। वो आपके चौकीदार नहीं है। आपसे कहा था प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। वो आपके चौकीदार नहीं है, वो अनिल अंबानी के चौकीदार है। अनिल अंबानी के चौकीदार हैं, अनिल अंबानी की चौकीदारी करते हैं। हैदराबाद हाई टेक्नोलॉजी समझता है। हैदराबाद ने पूरी दुनिया को हाई टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया। हिंदुस्तान की एयरफोर्स को हवाई जहाज खरीदना था। यूपीए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी, सरकारी कंपनी को दिया। फ्रांस की कंपनी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना था, बेंगलोर में हवाई जहाज बनता। तेलंगाना के युवाओं को एचएएल में रोजगार मिलता, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को, मैकेनिकल इंजीनियर्स को, फ्लूइड इंजीनियर्स को, सिस्टम्स इंजीनियर्स को, हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है, चाहे वो नैट हवाई जहाज हो, मिग हवाई जहाज हो, सुखोई, जैगवार, नाम लीजिए, एचएएल ने बनाया 70 साल से। एचएएल पर एक रुपया का कर्जा नहीं है, उल्टा एचएएल ने हिंदुस्तान की सरकार को 3,000 करोड़ रुपए लौटाया। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, कहते हैं आपसे मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, चौकीदार बनाओ। और जैसे ही आप उनको चौकीदार बनाते हो, चौकीदार फ्रांस जाता है डेलीगेशन में अनिल अंबानी के साथ। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी स्वयं, डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं, रक्षा मंत्री ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अनिल अंबानी को दिया। मैं आपको बता रहा हूं ये आपको बांटते क्यों हैं, लक्ष्य क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको वो लड़ाते हैं और फिर आपका ही पैसा लेकर अनिल अंबानी जैसे लोगों को देते हैं। मगर मैं थोड़ी गहराई में आपको आज बताना चाह रहा हूं। अनिल अंबानी पर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा, पैसा कहां से आया? सरकारी बैंक से। सरकारी बैंक में किसका पैसा? आपका पैसा। कहां से आया? नोटबंदी से आया, गब्बर सिंह टैक्स से आया। अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, वो छोड़िए, जिस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, वो कंपनी अनिल अंबानी ने कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले खोली। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, इतिहास में पहले नहीं हुआ कि फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। भाइयों और बहनों, 30,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी की जेब में डाले। कैसे डाले? फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा, देखो 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1,600 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को ही मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को जाएगा और किसी को नहीं। राहुल गांधी नहीं कह रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति होलांड ने बात बोली है। 30,000 करोड़ रुपए आपका, 30,000 करोड़ रुपए से यहां मेट्रो बन जाती, 30,000 करोड़ रुपए से तेलंगाना का किसान का कर्जा माफ हो जाता, 30,000 करोड़ रुपए से आपके बच्चों को शिक्षा मिल जाती, हजारों
हजारों लोगों का इलाज हो जाता, मगर ना आपको लगाएंगे, आपको बांटेंगे और फिर आपके पैसे को लेकर विजय माल्या 9000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 35000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, अनिल अंबानी 30000 करोड़ रुपए। यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। भाइयों और बहनों, ये लोग मित्र हैं, ये लोग एक साथ काम करते हैं, आपको लड़ाते हैं, देश में आग जलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और फिर आपका पैसा लेकर अपने 15-20 मित्रों को पहुंचाते हैं। ये देश की सच्चाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। यूपीए की सरकार थी, 70000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किसानों का, मनरेगा, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, जेएनयूआरएम, एक के बाद एक गरीबों के लिए काम। यहां पे जो ठेले वाले हैं, आपके लिए हम कानून लाए कि पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में आपको जगह मिली। जो पुलिस वालों का दबाव है वो आपसे उतरे, कानून लाए, उसको लागू नहीं किया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया और यहां तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर ने। तो एक ही पार्टी है जो हिंदुस्तान को जोड़ती है, सबको एक साथ लाती है, प्यार की बात करती है। आप याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी 70 साल की बात करते हैं, वीर सावरकर जी की फोटो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में लगाई है, नाम रखा है वीर सावरकर। मगर जब अंग्रेज इस देश में थे, गांधी जी जेल में थे, कांग्रेस के सब नेता जेल में बैठे थे, तो वीर सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी। भाई और बहनों, वो वीर नहीं थे, सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि आप मुझसे जो भी चाहते हो मैं करने को तैयार हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मगर मुझे जेल से निकाल दो, मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़ता हूं आपके, अंग्रेजों के, कि आप मुझे जेल से निकाल दो। दूसरी तरफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल एक के बाद एक हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री खड़ा होता है, मैंने देखा 15 अगस्त को खड़ा होता है, लाल किले पे खड़ा होता है, कहता है मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था। देखो कितना घमंड है व्यक्ति में, मेरे आने से पहले हिंदुस्तान सो रहा था, मेरे आने से पहले किसान सो रहा था, मेरे आने से पहले मजदूर सो रहा था, मेरे आने से पहले युवा सो रहा था, मेरे आने से पहले बहनें और माताएं सो रही थी, मेरे आने से पहले ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ नहीं किया, मेरे आने से देश का अपमान करता है। लाल किले पे खड़े होके आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी का अपमान करता है, हिंदुस्तान के किसानों का अपमान करता है, हिंदुस्तानों के युवाओं का अपमान करता है। यह है इनकी विचारधारा, मेरे आने से पहले कुछ नहीं हुआ। हमारी सोच ऐसी नहीं है। मैं आपको इस स्टेज से कहता हूं, देखो सुनो अच्छी तरह, इस देश को कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, इस देश को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाया,
इस देश को इस देश की जनता ने बनाया है, इस देश के किसान ने, इस देश के मजदूर ने, इस देश के छोटे दुकानदार ने। आप लोग इस देश को बनाते हो और आप लोगों को, आप ही लोगों को ये दबाते हैं, कुचलते हैं और आपकी जेब में से पैसा निकाल के हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को देते हैं। हमारा काम आपकी रक्षा करने का है। हमारा काम, कांग्रेस पार्टी का काम, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, छोटे दुकानदारों को, इन सब की रक्षा करने का काम है। हम प्यार से काम करते हैं। मेरी भाषण देख लो, मैं नरेंद्र मोदी बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जी बोलता हूं, चीफ मिनिस्टर का नाम लेता हूं, आदर से लेता हूं, मैं नफरत नहीं फैलाता हूं, मैं अपने दुश्मन से भी बात करता हूं, प्यार से बात करता हूं। ये इस देश का, ये इस देश का इतिहास है, ये इस देश के सब धर्मों का इतिहास है, ये हमारी संस्कृति है, ये इस शहर का इतिहास है कि सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं यहां आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि ये सबका देश है, ये किसी जात का, किसी धर्म का, किसी प्रदेश का देश नहीं है, ये आप सबका देश है, हम सबका देश है। और ये देश तभी आगे जाएगा जब हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चुनाव जीतने वाली है, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यहां पे तेलंगाना में जो सरकार आएगी वो सबकी सरकार होगी, प्यार से काम करेगी, और हैदराबाद में जो विकास लाना चाहिए, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो छोटे दुकानदारों का काम हो, चाहे वो रेडी पटरी वालों का काम हो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर प्यार से एक साथ इस प्रदेश के सपने को पूरा करने का काम करेगी। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। रोसैया जी, आपको अवार्ड मिला, आपको मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।